कोरोना का कहर अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, वहीं देश भर में डेंगू का कहर भी सामने आने वाला है। वहीं बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहां पर 26 अक्टूबर को 2100 से ज्यादा डेंगू के मामले दर्ज किए गए थे। इसी सिलसिले में हमारे साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट रितु सक्सेना जी मौजूद है। मैम, बात करें यहाँ पे डेंगू के मरीजों की, तो यहाँ पे कैसे देखा जा रहा है इनको? देखिए, डेंगू के मरीज जैसे हर साल इसी टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और इस साल तो काफी अभी तक बढ़ चुके हैं। अभी हमारे हॉस्पिटल में लोकनायक में 15 पेशेंट एडमिटेड हैं डेंगू के और 6 सस्पेक्ट भी एडमिटेड हैं, तो ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि इस बार भी बारिश काफी लंबी हुई है। तो जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा मच्छर का ग्रो करने के चांसेस रहते हैं, ब्रीडिंग ज्यादा होती है और इसी वजह से, क्योंकि मच्छर के काटने से बीमारी होती है, इसीलिए पेशेंट का नंबर बढ़ गया। मैम, डेंगू से निपटने के लिए एलएनजेपी की कैसी तैयारियां हैं? एलएनजेपी में एक सेपरेट वार्ड बना हुआ है फीवर के लिए और इसके अलावा जितने भी मतलब डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स हो रही है टाइम टू टाइम, उनको तैयारी दी जा रही है कि अगर कैसे इनसे डील करना है क्योंकि ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है हर साल ही, तो सब ज्यादातर तो ट्रेंड है ही, लेकिन फिर भी जो नए डॉक्टर्स आते हैं उनकी हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कराते हैं। इसके अलावा पेशेंट का अगर नंबर बढ़ता है तो हो सकता है कि बेड का नंबर भी हम लोग और बढ़ा दें, क्योंकि अभी कोविड भी चल रहा है, कोविड के भी एक पेशेंट है एक आध हमारे पास, तो कोविड के बेड्स में हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, तो एलएनजेपी की तैयारी पूरी है। मैम, जो आम पब्लिक है वो कैसे बचा सकते हैं अपने आपको डेंगू से? साफ सफाई, सिर्फ साफ सफाई से आप बच सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखें, कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर आपको लगता है कि मच्छर कहीं ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि गमले के पॉट हैं या घर में प्लांट्स रखते हैं लोग, कहीं भी ऐसे छत पे कभी कर कुछ पड़ा रहता है जंकयार्ड, उसमें पानी पड़ा रहता है, तो वो सफाई रखें। अगर आप सफाई रखेंगे तो मच्छर ग्रो नहीं करेंगे और मच्छर ग्रो नहीं करेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। अंदाजन कब तक डेंगू के मरीज जो है इनकी संख्या कम होने लगेगी? अभी तो देखिए, अभी तो लग रहा है कि और बढ़ेंगे, अभी कम होने का चांस तो नहीं लग रहा है। और इसके अलावा लोगों को ये भी रखना चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें बाकी बीमारियों से, क्योंकि इसकी थोड़ी मतलब दिक्कत होती है इसको डायग्नोज करने में। तो कोशिश करें कि अगर आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर से सलाह लेके ही दवाई खाएं। डेंगू के अलावा चिकनगुनिया और मलेरिया के कितने केसेस आ रखे हैं? देखिए, डेंगू के अलावा चिकनगुनिया और मलेरिया के भी पेशेंट्स हैं, मलेरिया के काफी कम है पेशेंट्स अभी, चिकनगुनिया के भी पेशेंट बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन अभी डेंगू की बात करें तो डेंगू के ही पेशेंट सबसे ज्यादा है, मलेरिया और चिकनगुनिया तो अभी काफी कम है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना एलएनजेपी की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डेंगू से बचने के उपाय यही है कि हमें आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, और इन्होंने बात करी एलएनजेपी हॉस्पिटल की, तो डेंगू से निपटने की इनकी तैयारियां लगातार जारी हैं। इसी सिलसिले में हम और भी जानकारियां लेंगे। फिलहाल दिल्ली से खबर ट्विटर न्यूज के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।